माशाल्लाह, ये देखिए हरी प्याज से है जो आलू हमने किस तरह बनाए हैं। तो ये सब देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे वीडियो में, और जब आप वीडियो है जो पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमने हरी प्याज के आलू बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। तो बस सुबह का टाइम है और इरम चली गई है स्कूल, और आज है इरम का पेपर। तो इरम 11:30 बजे के करीब आ जाएगी। तब तक हमने सोचा कि चलो हम जल्दी से खाना बना लें, क्योंकि इरम है जो बिस्किट खा कर गई है, बोल रही थी माँ कुछ नहीं खाना है, 11:30 बजे तक तो घर ही आ जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हमें भी कहीं जाना है तो हमें भी जल्दी निकलना है 10 बजे के करीब, तो फिर जल्दी जल्दी से खाने की सोचने लगते हैं। तो हमने सोचा चलिए यही बना लेते हैं, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और चूल्हे पे भी हमने आज आग नहीं की, क्योंकि चूल्हे पे नहीं बना पाएंगे खाना जल्दी से, और जल्दी से गैस ही पे ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम ये बना रहे हैं हरी वाली प्याज, जो कि इस मौसम में बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग भी, हमारी ये रेसिपी है जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, ये रेसिपी जो है बहुत अच्छी लगती है। तो हमने हरी प्याज जैसे कि अभी आती है, और ये देखिए इसको हम अच्छे से छील लेंगे। और सोचा आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी ही शेयर की जाए, क्योंकि ऐसे लगता है कि सुबह से ब्लॉग चालू करें, यानी सुबह से वीडियो बनाना हम चालू कर दें शाम तक के लिए, पर नहीं हो पाता ये सब, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो देखने वालों को भी बहुत तकलीफ होती है देखने में। तो बस सोचा हमने कि यहीं पे हम अपना जो जितना हो सके उतना ही हम दिखा पाएंगे, क्योंकि हमें आज कहीं पे जाना है और हमें भी जल्दी निकलना है। तो इस तरह से हमने पूरी प्याज है जो काट ली है, अब हम इसको चोकोर चोकोर काट लेंगे। और यहाँ पर ली है हमने 1 कटोरी मटर, और ये हरी मिर्च है, और ये आलू काट कर रख लिए हैं। और ये आलू इसलिए हमने, ये देखिए छीले नहीं हैं, छिक्कल ही है आलुओं में, और छिक्कल से जो है सब्जी, आलुओं के छिक्कल हैं जो अभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पके हुए छिक्कल नहीं हैं ये। तो बस ये सब हमने कर लिया, और अब हम काट लेते हैं जल्दी से प्याज। अभी सारा काम है जो इसी तरह फैला पड़ा हुआ है, और बस काम है, हो जाएगा धीरे धीरे, कर लेंगे, क्योंकि आज हमारी तबीयत भी जो है कल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें गले में ज़्यादा ही कुछ तकलीफ है। तो इसलिए बस आप लोग स्किप करिए, और आप लोग दुआ करिए कि हमारा जो गला है जल्दी से ठीक हो जाए, और बस आप ही लोगों की दुआओं की ज़रूरत है मुझे। आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, और पहले से काफ़ी हद तक हम ठीक हो गए हैं आप ही लोगों की दुआओं से। तो चलिए देख, इस तरह से हम इसको काट लेंगे। तो तब जब तक हम प्याज काटते हैं, जब तक हम कढ़ाई चढ़ा के डाल देते हैं इसमें तेल, और तेल डालेंगे हम इसमें सरसों का, और हमें ज़्यादातर सब्जियां बनाना सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, तो हमने सरसों का तेल डाल दिया है। और तेल जब तक गर्म होता है, जब तक हम यहाँ पर जो सब्जी है वो काट लेते हैं। बस आप सबसे बातें करने के लिए मन करता है, पर क्या करें। और हाँ, प्याज में ये जो टाइट वाला छिक्कल है जो अंदर निकलता है, इसको नहीं काटना है, जो ये सॉफ्ट है बस इन्हीं दहनियों को काटना है। तो ये आप देख सकते हैं तेल है जो अच्छे से पक गया है, और बस अब हमने ये जो प्याज काट ली है ये डाल देंगे। तो प्याज को हमने डाल दिया, और अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आज हम पूरी रात से सोए नहीं हैं, आज हमें गले में बहुत तकलीफ है, फिर भी ऐसे लगता है कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि
गले की तकलीफ की वजह से हमारे पैरों में भी दर्द, कमर में भी दर्द, यानी इतना दर्द बेशुमार दर्द होता है। सोचते हैं कि दवा खा लें, पर हमने गले की दवाई खाई। 3 बजे रात में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बस दवा खा के हम थोड़ी सी सोए और फिर आँख खुल गई 5:30 के करीब। हम सोचते हैं हम खुश रहें, हमें कोई भी तकलीफ ना हो, पर इतने तकलीफ में भी हम बहुत खुश रहते हैं और खुश रहने की कोशिश भी करते हैं और सबको दिखाते भी हैं हम बहुत खुश हैं। और बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारा जो गले का मसला है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हमें गले से बहुत तकलीफ़ होती है। और एकदम बोल के गई है, हमारी बच्ची इतनी बड़ी तो है नहीं कि वो घर का सारा काम अकेले कर ले, हमारी बच्ची छोटी है और उसके आज से पेपर हैं और वो पेपर देने गई है 8:30 बजे, अभी निकली है। बोल के गई है, माँ आप कुछ मत करना हम कर लेंगे, पर नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे को पढ़ने देंगे जैसे भी, अगर हम लेट के रह जाएंगे तो फिर हम लेटे ही रहेंगे, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस हमने सोचा कि हम सब्जी और रोटी और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह डले हुए हैं बस वो साफ कर लेंगे, झाड़ू पोछा हमारी एकदम कर लेगी। तो इतनी छोटी सी उम्र में भी बच्चे इतना सोचते हैं तो लगता है, और वो भी पूरी रात से हमारे साथ नहीं सो पाई, बार बार उठ रही थी, पैर दबा रही थी कि माँ को तकलीफ हो रही है। अगर आज हम आप लोगों से कहे बिना दिल नहीं मान रहा है कि हमें बहुत तकलीफ है अंदर से गले में, फिर भी हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमें आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और आप सब जो हैं हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो बस छोड़ो ये सब दुख तकलीफें, तो दुनिया में आए हैं तो लगा ही रहेगा। और चलिए अब डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च जो हमने ली है, ये थोड़ी आप लोगों को ज़्यादा लग रही होगी मगर ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए हम डाल देंगे। और हाँ, हम ये तीखा खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत कम है जो खा पाते हैं। हम अपने लिए खिचड़ी बनाएंगे, अभी तो हमें ना खाने का मन है ना पीने का मन है, बस अभी तो ये खाना बना के हम रख के और चले जाएंगे। और हम गले के ही लिए जा रहे हैं कहीं दवा लेने, और ये आलू की सब्ज़ी और ये सब एरम और एरम के पापा को, और एक टाइम का खाना नहीं बना रहे हैं हम, ये दोनों टाइम का खाना है हमारा। और हमारे यहाँ कोई ये नहीं बोलता है, ना डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सुबह का खाना है, खा लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम कितने परेशानी से खाना बना पाते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है कभी कभी, मतलब इतनी तकलीफ होने लगती है कि इतनी आपसे बात कर रहे हैं तो इतनी भी नहीं कर पाते हम। तो बस यहाँ पे डाल दिया हमने टेस्ट के मुताबिक नमक, और हम जो आलू जो हैं ये हम कढ़ाई में नहीं पकाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, आलू डाल के थोड़ी देर के लिए हम इनको कुकर में रख देंगे तो जल्दी से बन जाएंगे। तो बस बने रहिए हमारी वीडियो में, और हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि जो हमारा थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम बचा है वो पूरा हो सके। और आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम, आप लोग खुद समझदार हैं। तो बने रहिए अभी हमारी वीडियो, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो बस यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी हमने यहाँ पे, और अब डाल देंगे इसमें हम मटर। मटर के बाद में हमने आलू पहले धो भी लिए थे, फिर भी हमने और धो लिए हैं। तो जब तक यहाँ पे की सब्जी है अच्छे से, मतलब आलू जो है मिला दिए हमने, मटर भी मिला दी, और यहाँ पर जो है फल वाला धना है यानी धनिया, इसको हम तोड़ रहे हैं क्योंकि इसके जो फल हैं ये फल भी इसी में जाएंगे, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट बना देंगे सब्जी का।
तो बस ये जो फल निकाले हैं धनिए के, ये डाल देंगे। और हम ये सब्जी जो है कुकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी से बनाना है सब्जी को। और सारी सब्जी जो है इसी में डाल देंगे। तो ये देखा आपने, हमने सारी सब्जी डाल दी और इसी में डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि सब्जी जो है ज़्यादा गीली अच्छी नहीं लगती, ये वाली सब्जी सूखी ही अच्छी लगती है। तो ये डाल दिया हमने आलू पकने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल पानी, और बस हम कुकर लगा देंगे। तो देख लीजिए सब्जी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। तो बस हमारी जो रेसिपी है आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जो न्यू आए हैं वो हमारी वीडियो को शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब कर लें। तो बस यहीं दीजिए हमें इजाज़त, चलती हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलने आएंगे। और हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।